हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। जैसा आप जानते हैं कि जो कल क्विज हो रहा था उसका लास्ट डे था और लास्ट डे इतना कम्पिटिटिव हो गया था, जो कंपटीशन था इतना, मतलब आप समझ सकते हैं इतना कंपटीशन उसमें हो गया था, इतना टफ हो गया था, मैं बता नहीं सकता, मतलब एक बोल सकते हैं कांटे की टक्कर थी उसमें। और जैसा मैंने आपको बताया था उसके बारे में वीडियो भी डाल रखी थी। अब जो नेक्स्ट हमारा जो मतलब क्विज चल रहा है उसका अगला जो राउंड है वो अभी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप जो आपको जो भी कैंडिडेट अच्छा लगे उसको वोट जरूर करें। इसके बाद बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप वेट कर रहे होंगे, एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर एक अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग भी उनको उसमें इतना ही सपोर्ट कर रहे हैं और उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं इस काम के लिए। तो जैसा आप जानते हैं DSSB पर उन्होंने अवमानना का जो पिटीशन लगाया था, तो उसमें क्या चीज़ें थी वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या क्या चीज़ें हैं। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा आपको, जिस साथी को वो मतलब जो पिटीशन लगाई है वो देखनी है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है, और मतलब मेरा जो कॉन्टैक्ट है अबाउट में जाके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं कॉन्टैक्ट दे दूंगा। तो उसमें मांगे क्या रखी वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो वैकेंसीज है, फ्रेश वैकेंसीज, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आपको भी फ्रेश वैकेंसीज निकालनी है, लेकिन DSSB वो नहीं निकाल पाया। इसके बाद जो वैकेंसीज थी वो पूरी भरनी थी, मतलब DSSB को वैकेंसीज पूरी भरनी थी, लेकिन DSSB वो भी नहीं भर पाया क्योंकि आपको पता है स्पेशल वाले जो पद है वो मतलब खाली रह गए। इसके बाद आयु सीमा में बदलाव को लेके भी अशोक अग्रवाल सर ने वहाँ पे बात रखी थी कि भाई कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसीज खाली रह जाती हैं, तो ऐसे उसमें आयु सीमा को बाधा नहीं बनाना चाहिए, आयु सीमा की वजह से हमें ये नहीं करना चाहिए कि भाई हम मतलब वैकेंसीज खाली रखें। तो ऐसे कुछ उन्होंने मुद्दे उठाए थे और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो देख सकते हैं जो मतलब उन्होंने पिटीशन लगाई है, PDF है मेरे पास, हालांकि मैं पब्लिकली वो नहीं दिखाना चाहूँगा। और इसके बाद एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ क्या क्या मांगे थी। सबसे पहले जो उन्होंने अवमानना का पिटीशन लगाया था क्योंकि DSSB वैकेंसीज नहीं निकाल पा रहा है टाइम टू टाइम और कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी। इसके बाद जो कोर्ट ने पहले ऑर्डर दिया था कि भाई आपको जो स्पेशल वाली वैकेंसीज है वो पूरी फिल करनी है, लेकिन DSSB ये भी नहीं कर पाया, आपको पता है काफ़ी पद खाली रह गए थे। और इसके बाद एक और मतलब बात थी पहले कि अगर आयु सीमा ज़्यादा होने की वजह से और वैकेंसीज खाली रह रही है इतनी, तो क्यों ना उन टीचर्स को ले लिया जाए, तो ऐसी भी मांगे रखी गई थी। तो ये अपडेट है और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मतलब कमेंट करके या मतलब मुझे पर्सनली मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल प्लीज़ ना करें। और इसके बाद आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है जहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सारी आपको चीज़ें वहाँ पर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।